आज की वीडियो में बात करेंगे इस ब्लिट्स वुल्फ की तरफ से आने वाले इस फास्ट चार्जिंग के बारे में, कैसे काम करता है, क्या क्या फीचर है, सब कुछ बताएंगे। इसी के साथ ही साथ मेरे पास उसका एक डेटा केबल भी है जो वो भी सेम कंपनी का ही है, तो कैसे इस दोनों का कनेक्शन है सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर हमारे चैनल में पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, घंटी बजाए डंडना, शुरुआत करते हैं वीडियो की। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले यहाँ पे करते हैं ब्लिट्स वुल्फ BW S11 PD चार्जर की अनबॉक्सिंग। दोस्तों अनबॉक्सिंग तो हो गई, तो हम सभी ने देखा कि बेसिकली एक अपनों को बॉक्स में क्या क्या मिलता है। एक USB चार्जर मिलता है और इसी के साथ ही साथ एक यूजर मैनुअल मिलता है, तो ये दो चीज़ें हमें बॉक्स में देखने मिलती है। इसी के अलावा और कुछ भी बॉक्स में नहीं था। और इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा अभी यहाँ पे इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब ऐसा लगता है कि भाई अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज़ किया इस चार्जर को बनाते वक्त। इसी के साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो यूज़र मैनुअल मिलता है, हिंदी इंग्लिश ऐसा कोई भी लैंग्वेज इसमें नहीं है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये बेसिकली किस ढंग से काम करता है। तो काफ़ी रिसर्च करना पड़ा मुझे कि इसके क्या क्या फीचर्स है। तो बात कर ले इसके फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे आपको एक फास्ट चार्जिंग का यूएसबी चार्जर मिल जाता है। तो बेसिकली ये यूएसबी चार्जर जो फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है इसे, और वेट भी ज्यादा नहीं है, मतलब लगभग बोलते ना 100-150 ग्राम का होगा। आप इजिली इसको ट्रैवल करने के टाइम यूज कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक और पोर्ट दिया गया छोटा वाला, इसको यूज करने के लिए आपको सेपरेट एक लाइटनिंग केबल लेना पड़ेगा, जो स्टार्टिंग मैंने आपको वीडियो में दिखाया था कि मैं एक की अनबॉक्सिंग और करने वाला हूँ, सॉरी अनबॉक्सिंग तो नहीं बोलूंगा, अनपैकिंग बोलूंगा, क्योंकि वो बॉक्स विक्स तो है नहीं। तो अब आप देख लेते हैं कि उसकी अनपैकिंग। बेसिकली यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, जो आप लोगों ने इसकी अनपैकिंग देखी इस टाइल लाइटनिंग केबल की, सॉरी टाइटनिंग बोलने जा रहा था, तो यहाँ पर आपको बोलते हैं ना सब एप्पल के जो जो सपोर्टिव प्रोडक्ट है या फिर एप्पल के जितने भी एक्सेसरीज इस लाइटनिंग केबल को सपोर्ट करती है, यहाँ पर पूरा लिस्ट के आप चाहिए तो वीडियो पॉज करके देख सकते हो पूरी लिस्ट में क्या क्या कौन कौन सा है। अगर आपका मॉडल नंबर हो तो आप डेफिनेटली इसको परचेस कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। सो दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है कि इसका और इसका कनेक्शन क्या है। तो बेसिकली कनेक्शन ऐसा ही है कि यहाँ पे देखो दो पोर्ट दिए गए हैं,
ऊपर एक जो टाइप सी के लिए, और जो दूसरा दिया गया है बेसिकली एक एप्पल प्रोडक्ट होते हैं उसको चार्जिंग करने के लिए। तो यहाँ पे आपको ये यूएसबी जो लाइटनिंग केबल है ये आपको मदद करेगा, बस इसका कनेक्शन इतना ही है, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है और खपाने की भी ज़रूरत नहीं है दिमाग, क्योंकि मेरा ऑलरेडी खप चुका है इसको वीडियो को रिसर्च करते वक्त। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे जो आपको ये BWCL1 की जो ये लाइटनिंग केबल का जो मटेरियल है, या फिर बोल सकते हैं बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मतलब लोकल क्वालिटी का मटेरियल यूज़ नहीं किया इसको बनाते वक्त, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ये वैल्यू फॉर मनी है, प्राइसिंग की बात थोड़ी सी समय में कर दे, बस कुछ ही मिनटों में। तो यहाँ पे आपको बेसिकली दोनों साइड से मिल जाता है, जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दोनों साइड, एक में टाइप सी और दूसरा एक एप्पल के एक्सेसरीज को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे पोर्ट मिल जाता है। और इसी के साथ साथ मैं दोस्तों कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जो ये आपको लाइटनिंग केबल आप ले रहे हो या फिर आप कॉम्बो में खरीदोगे बैंगलोर की वेबसाइट पर, तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये MFI सर्टिफाइड है। MFI सर्टिफाइड का मतलब होता है मेड फॉर आईफोन, आईपैड एंड आईपॉड, ये तीनों में कंपैटिबल होगा, इसलिए इसको MFI सर्टिफाइड बोला जाता है। इसी बात पे एक लाइक धमाके से बनता है। और दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि इस चार्जर की खासियत यही है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल या बोल सकते हैं या फिर दो मोबाइल या डिवाइस आपको एक साथ में चार्ज करने का मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको दो पोर्ट देखने मिल जाते हैं। और बात कर ले यहाँ पे जब चार्ज कर ही रहे तो भाई आउटपुट का जरूर फर्क तो किसी को पड़ता नहीं भाई कि कितना आउटपुट है, लेकिन फिर भी मेरा बताना फर्ज है कि भाई वीडियो बना रहा हूं। तो सो यहाँ पे जो फर्स्ट पोर्ट दिया गया है यहाँ पे जो ऊपर वाला है उसका वोल्टेज है 5 वोल्ट का, और जो सेकंड वाला जो छोटा वाला दिया गया है जो एप्पल प्रोडक्ट्स के लिए उसका वोल्टेज कुछ है यहाँ पे 12 वोल्टेज का। और दूसरी खासियत तो इस चार्जर की मेरे हिसाब से यहाँ पे जब आप चालू करते हो यहाँ पे बोट वेट लगाते हो तो यहाँ पे एक ब्लू कलर की लाइट आती है जो देखने में बहुत अच्छी लगती है, मतलब आप अगर लाइट रात में मोबाइल चार्ज कर रहे हो अगर लाइट वेट सब ऑफ है सिर्फ ये जलते रहे तो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है, बाकी ऐसा कुछ खास तो फर्क पड़ता नहीं आपके चार्जिंग पे। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ये फास्ट चार्जिंग वाला यूएसबी चार्जर है। लेकिन एक और बात मैं यहाँ पे जो आपको सभी को हाईलाइट करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो वन प्लस का जो यूजर होगा वो उसको फास्ट चार्जिंग की जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं भी एक वन प्लस यूजर हूँ और यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस किया कि जो ये जो है फास्ट चार्जिंग है, ये वाला जो ब्लिट्स वुल्फ की तरफ से आने वाला जो चार्जर है काफी फास्ट है, लेकिन एज कंपेयर टू वन प्लस डैश चार्जिंग थोड़ा सा वीक हो जाता है। बाकी आप फोन से कंपेयर करो थोड़ा फास्ट है, लेकिन वन प्लस के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्लो है। लेकिन ये मैं आपको सभी को कहना चाहूंगा कि आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। हाँ, अगर आप वन प्लस यूजर हो डेफिनेटली आपको एक हद पे डिसअपॉइंटिंग फील होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी डैश चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, क्या उसके जो अलग अलग नाम है मेरे को अभी और याद नहीं आ रहे, तो वो लोग को थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है जैसे कि मुझे पड़ रहा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आपको चार्जर मिल रहा है ये आपको बैंगलोर की वेबसाइट पे मिल रहा है कुछ 1300 रुपये के आसपास, प्राइसिंग ऊपर नीचे होती रहती है, सेल चलते रहते हैं, तो इस चीज़ का आप जरूर ध्यान रखिए। इसी के साथ साथ जो ये आपको जो केबल दिखने मिल रही है लाइटनिंग केबल BWCL1 ये भी आपको मिल रही है अराउंड 1000 रुपीज़ के आसपास, मतलब अगर कुछ मिला अगर मैं पैकेज बनाऊँ या कॉम्बो का डील बनाऊँ तो यहाँ पे 2300 रुपीज़ के अंदर आपको ये दोनों चीज़ें बैंगलोर की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दीजिए, इसी के साथ ही साथ एक कूपन कोड भी जिसके थ्रू आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए और आप अच्छे से चेकआउट कीजिए, डिटेल में चाहिए तो पढ़ सकते हो। और आपको कोई सवाल या कोई भी सुझाव हो तो मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। इसी के साथ साथ अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और जो लोग नए सब्सक्राइब करो हमारे हैप्पी गाइड चैनल को, हमारे हैप्पी गाइड फैमिली को। और इसी के साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बीमार चल रहा था इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम पे स्टोरी अपडेट हो रही थी। तो अगर आप पर्सनली थोड़ा बहुत जानना चाहते हो कि बैकग्राउंड में क्या चलते रहता है हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिए। इसी के साथ साथ अलविदा अलविदा अलविदा, बाय।